दोस्तों, हो सकता है मेरी तरह आप लोगों ने भी ऐसे कुछ डिस्कशन सुने हों जिनमें यह चर्चा आई हो कि जब मैं बैंक से लोन लेने गया, एनबीएफसी से लोन लेने गया, तो उन्होंने मुझे कुछ शर्तें बताई नहीं, और बाद में जब मैं लोन का रीपेमेंट करने लगा तो उन्होंने मेरे से चार्जेस के नाम पर या इंटरेस्ट रेट के वेरिएशंस में कुछ चार्जेस की रिकवरी करी। होता क्या है, हमारे यहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते समय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सी बार अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर नहीं कर पाते या नहीं करते, और इसका इंपैक्ट आता है अल्टीमेटली कंज्यूमर पर जो वहां पर बोरिंग कर रहा होता है। ऐसा ही रिसेंट दोस्तों एक केस हुआ जहां पर बजाज फाइनेंस के प्रोडक्ट्स पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैन लगाया गया। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इस बैन का क्या प्रभाव हुआ, और इस बैन से हमें एज अ कंज्यूमर, एज अ बोरोवर क्या लेसन लेने को मिलता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के मैं सी अनु भाटिया आज के इस छोटे से डिस्कशन के थ्रू आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, तो दोस्तों, अब आपके सामने ये बात रखता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बैन लगाया बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैंड द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बजाज फाइनेंस, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। उनके दो प्रोडक्ट चल रहे थे मार्केट में, एक ई कॉम के नाम से और दूसरा इंस्टा ईएमआई कार्ड। मैं इन प्रोडक्ट्स की डिटेल में नहीं जा रहा दोस्तों, आपके समक्ष मैसेज ये रखना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एनबीएफसी के दो प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली बैन कर दिया। क्यों बैन किया ये जानना बहुत जरूरी है। अब आ रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, व्हाई दिस बैन इज इंपोज्ड। सो दिस बैन इज इंपोज्ड ड्यू टू नॉन इश्यूएंस ऑफ की फैक्ट्स स्टेटमेंट टू द बोरोवर्स अंडर द टू लेंडिंग प्रोडक्ट्स ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। यानी आरबीआई का क्या कहना है कि बजाज फाइनेंस ने जब ये दो प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर्स को दिए ई कॉम नाम से और इंस्टा ईएमआई कार्ड नाम से, तो उसने की फैक्ट्स स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करे या अपने बोरोवर्स को प्रोवाइड नहीं करे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ओके अनुप जी, फिर ये की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, जरा इसको तो समझें। दोस्तों, अब आपके सामने ये बात रखता हूं कि व्हाट इज की फैक्ट स्टेटमेंट, ये की फैक्ट स्टेटमेंट होता क्या है। द टर्म की फैक्ट स्टेटमेंट रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ लोन, इंक्लूडिंग द अमाउंट, टेन्योर, फीस, इंटरेस्ट रेट, पैनल चार्जेस एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि आपको यह पता चले कि अच्छा साहब, मुझे फाइनली लोन कितने अमाउंट का किया जा रहा है, कहीं जो बताया गया अमाउंट है और जितना लोन मेरे नाम पर चढ़ा दिया गया उसमें डिफरेंस तो नहीं है, मेरे लोन की टेन्योर क्या होगी, मुझसे क्या प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है, इंटरेस्ट रेट मुझसे क्या ली जा रही है, क्या वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, फिक्स इंटरेस्ट रेट है, पैनल चार्जेस मुझसे क्या लिए जाएंगे अगर भविष्य में मुझसे कोई गलती होती है, इस सब का फायदा क्या है। दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अबव ऑल, द अबव इंफॉर्मेशन आर पार्ट ऑफ आरबीआई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, भारत में समय समय पर जो लेंडिंग पैटर्न्स होते हैं या जो लेंडिंग के तौर तरीके होते हैं उनमें अपनी गाइडलाइंस इशू करती है, और फिर मॉनिटरिंग करती है कि क्या वित्तीय संस्थाएं, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसीज हो, वो उन गाइडलाइंस की अनुपालना कर रही है या नहीं कर रही। और रीसेंट जो केस हुआ बजाज फाइनेंस में, वहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑडिट में, उनके इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट आया होगा कि की फैक्ट स्टेटमेंट फाइनली बजाज फाइनेंस ने अपने बोरोवर्स तक नहीं पहुंचाए। जब आपने ये की फैक्ट स्टेटमेंट अपने कंज्यूमर्स को नहीं दिए, आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसका इंपैक्ट फ्यूचर में जब कोई रीपेमेंट होगा तो उसमें एक धांधली के रूप में भी आ सकता था, और उस चीज को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रहती है। तो आई होप की फैक्ट स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात यहां पर हम समझे, और इसकी इंपॉर्टेंस को यहां प्रतिपादित किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिसेंट एक्शन से। फाइनली दोस्तों, ये जो डिस्कशन मैंने छोटा सा आपके समक्ष रखा, इसका मैसेज हमारे समक्ष क्या है एज अ कंज्यूमर, तो मुझे ध्यान आता है कि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग जब लोन लेने जाते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड टुवर्ड्स द अमाउंट होता है कि जैसे भी करके मेरे को पैसा मिल जाए और मेरा जो पर्टिकुलर पर्पज है वो हल हो जाए।
उस समय हम इतनी आपाधापी में होते हैं दोस्तों कि हमें ध्यान ही नहीं होता कि हमें किन टर्म्स एंड कंडीशन पर फाइनेंस मिल रहा है। और कंज्यूमर फाइनेंस क्योंकि अपेक्षाकृत रूप से छोटी अमाउंट का फाइनेंस होता है, तो वहां पर जब एक ग्राहक लूटा जाता है तो उस ग्राहक को उस समय वो लूट पता नहीं चलती। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि सभी फाइनेंशियल संस्थाएं इस प्रकार से कर रही हैं या बजाज फाइनेंस ऐसा काम करती है। मैं यहां पर स्पेसिफिकली एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आपको सतर्क रहना जरूरी है। क्या सतर्क रहना जरूरी है कि की फैक्ट स्टेटमेंट जानिए कि किन शर्तों पर दोस्तों आपको लेंडिंग हो रही है और उसके अनुरूप अपनी समझ को डेवलप करते हुए आप फाइनली अपने सैंक्शन को स्वीकार करें, अपने डिसबर्समेंट को स्वीकार करें। अंत में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा दृष्टांत जो हमारे समक्ष आया है, यानी ये जो उदाहरण हमारे समक्ष आया है, इसके थ्रू हमें भी जानकार बनने में, सतर्क बनने में मदद मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम जब हम या हमारा कोई मित्र या हमारा कोई रिलेटिव कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करता है तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट पर एम्फेसाइज करेगा, समझेगा और उसके अनुरूप अपने बोरिंग के डिसीजन को तय करेगा। सो आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन यूजफुल टू यू। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।